एंड मोमेंट में बहुत सारी भजन मच जाती है। इधर मैं ये हॉट पिंक कलर का सूट पहनूंगी तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो अभी मैं अपने लिविंग रूम में थोड़ा बैठना स्टार्ट हो गई हूँ। अभी आज मैंने एक व्लॉग खत्म किया है एंड मैं अभी पेपर फ्राई के एक इवेंट से आ रही हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव अ लिटिल बिट नॉट अ लिटिल बिट स्टिल गुड मेकअप ऑन माय फेस, क्योंकि ना आज क्या हुआ था, विक्की ने मुझे बोला था कम रोटियां बनवाना। हमने हेल्पर लगवा ली है, कुकिंग के लिए मैं हेल्प ले रही हूँ बिकॉज अभी मुझसे तो मैनेज नहीं हो रहा। जब तक मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, जब तक पूरा घर मेरा प्रॉपर सब कुछ हो गया, मच नीडेड हेल्प बिकॉज काम साथ में घर और साथ में कुकिंग, किचन संभालना, कुकिंग नहीं इट्स लाइक अ किचन संभालना, मुझसे तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एंड थक रही थी। सो आई थॉट कि भाई मैं अपने हेल्थ को इतना बर्डन नहीं दे सकती, सो दैट्स व्हाई आई केप्ट कुकिंग हेल्पर आप बोल सकते हो, कुक तो वो काफ़ी कुछ कर देती हैं, हेल्प कर देती हैं। तो आज ना काफ़ी कम रोटियां बनी हैं और आज फ्राइडे भी है तो हमारा मन, वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मैंने विक्की को बोला पैक करा के ले आओ, पर वो कह रहा है कि वहाँ क्या थोड़ा एम्बियंस अच्छा होता है, फिर खाने में गरम गरम ज़्यादा अच्छा लगता है, घर आते आते लाते लाते वो ठंडा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है, तो फिर हम वहीं जा रहे हैं। भाई आज अभी डिनर करने के लिए जाते हैं। जो हम जाने वाले थे ना उसके लिए भी अभी ये हुआ है कि हमने घर पे ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा लेजी है। लेजी नहीं, मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि मैंने विक्की को बोला मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को घर पे ही खाना है। आज ना एक्चुअली कल बारिश हो गई थी ना और आज धूप निकल गई तो बहुत गंदा वेदर हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेटिंग वेदर हो रहा है, तो मेरा बॉडी में सब चला गया मेरे। तो खाना खाते हैं, अब मैं कल फ्रेश मूड से आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज हमारा स्टार्ट हुआ है अगेन ड्रिलिंग सेशन वर्क। जिस दिन विक्की की छुट्टी होती है उस दिन मैं उसको पकड़ के सारे जो भी मेरे को हेल्प चाहिए होती है वो सब मैं करवाता हूँ। तो हम लोग कोई कारपेंटर या ड्रिल करने वाले को हायर नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ड्रिल मशीन है, तो फिर अननेसेसरी क्यों एक्सपेंस किसी को देना, उसी को हम फुल ऑन यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी ड्रिल होना था वो सारा मैंने पॉइंट्स निकाल करके रखे थे, और फिर ड्रिल होने के बाद ना घर इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है कि आपको लिटरली बहुत टाइम लग जाता है क्लीन करने में भी। तो ये वाला दिन पूरा हमारा इसी काम में चला गया। बैल्कनी भी मेरे को पूरा फुल ऑन रेडी करनी थी बिकॉज ये लाइट्स भी आई गई थी अच्छी वाली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रही हूँ एक गृह प्रवेश में, निशा की मम्मी है उन्होंने यहाँ पर घर परचेस किया है, मतलब वो यहीं रह रही थी ऑलरेडी, उनके दो घर थे, नेक्स्ट अलग से लिया है। सो आज उसका गृह प्रवेश है तो वी आर गोइंग देयर, हम लोग जा रहे हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली पता है कल ऐसा प्रोग्राम होने वाला था कि मैं मेहंदी वेहंदी लगाने जाने वाली थी, बट होता है ना अभी आप एंड मोमेंट में बहुत सारी भजन मच जाती, तो कल उसके यहाँ वही हुआ निशा के यहाँ, बहुत सारी चीज़ें ना उन लोगों की वो हो मेस्ड अप हो गई हैं, देन उसके बाद फिर मेहंदी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो अभी मैं बस फटाक से शार लेने के लिए जा रही हूँ एंड देन फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ यार मैं हेयर वॉश करूँ कि नहीं करूँ। मैंने दो चीज़ें निकाल के रखी है, एक तो मैंने ये वाला सूट निकाल के रखा हुआ है और एक मैंने ये साड़ी निकाल के रखी है येल्लो कलर की। सो लेट्स सी, या तो मैं ये साड़ी पहनूंगी इस पिंक कलर के ब्लाउज के ऊपर, मेरे पास ऐसे गोल्डन कलर का ब्लाउज भी है, रेड भी ब्लाउज है, बट मैं पिंक के ऊपर पहनना चाहती हूँ येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन। एंड इधर मैं ये हॉट पिंक कलर का सूट पहनूंगी, तो लेट्स सी। और ये विक्की के लिए कुर्ता निकाला हुआ है, ये भी गया है आंटी के घर ही इंडक्शन देने के लिए, वो होता है ना रसम होती है, अभी तो क्या वर्किंग वगैरह चालू नहीं करवाई है, फिर मुहूर्त नहीं है नेक्स्ट मंथ, इसलिए वो अभी कर रहे हैं। तो इंडक्शन पे क्या होता है दूध वूध उफानने के लिए, तो वो देने गया है, वो जैसे ही आएगा उसके आधे एक डेढ़ घंटे बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शार और मैंने ना अपने हेयर वॉश भी कर लिए हैं और अच्छे से ड्राई हो गए हैं मेरे बाल। सो वॉश करने के बाद ना हल्का सा भी फ्लफीनेस है, तो आई एम गोइंग टू स्टाइल माई हेयर, मतलब मैं कर्ल करने वाली हूँ अपने बालों को, क्योंकि मैं अभी हीट यूज करने वाली हूँ ना, तो हीट यूज करने से पहले मैं हमेशा हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज करती हूँ। सो आई विल बी यूजिंग दिस बी ब्लंट हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन मिस्ट विच प्रिपेयर्स योर हेयर एंड शील्ड देम फ्रॉम हीट अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। को मैं ओपन करूंगी एंड यहाँ पर नीचे ये देखिए इसको ऐसे स्प्रे करेंगे, so that the fragrance of this hair mist is amazing, मतलब आप even if you don't want to style your hair आप normally wash करने के बाद भी spray कर सकते हो, so that आपके बाल थोड़े manageable हो जाएं, frizz free हो जाएं and उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आए। नीचे मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी because सबसे ज़्यादा heat इधर ही
यूज होती है. सो बी ब्लेंड इज अ प्रीमियर हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड विच स्टैंड्स फॉर इट्स यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी. इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ग्रेप सीड ऑयल विच एक्ट्स एज अ नेचुरल हीट प्रोटेक्टेंट और साथ ही साथ प्रो विटामिन B5 विच इम्प्रूव्स द हेयर लस्टर. ये आपके जो फ्रिज है उससे फाइट करता है, बालों को डिटैंगल करता है, बालों को पोल्यूशन से बचाता है, सन डैमेज से बचाता है, हार्ड वाटर से बचाता है एंड कम्स इन एन ईजी टू यूज ट्रेवल फ्रेंडली स्प्रे बॉटल जिसको आप कहीं पर भी ले करके जा सकते हैं एंड अपना स्टाइलिंग गेम हमेशा ऑन रख सकते हैं. तो सबसे पहले आपको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है अपने बालों को, स्प्रे कर लेना है अच्छे से जब आपके बाल थोड़े टॉवल ड्राई हो जाए एंड उसके बाद आप अपने बाल को स्टाइल कर सकते हैं. तो आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, कर्लिंग वॉन्ड यूज कर सकते हैं या स्ट्रेटनर यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ अपने बालों को कर्ल करने के लिए एंड लुक एट दैट, बहुत ही सही लग रही है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस जो बी ब्लंट हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन मिस्ट की ये लगी है कि इसके बाद ना आपके बाल बहुत सॉफ्ट लगते हैं, आपका जो बालों का टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हार्ड एंड हार्श नहीं लगता है जो यूजुअली हो जाता है जनरली आप जब मिस्ट यूज करते हो. तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, विदाउट स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हो बिकॉज ये आपके बालों को मैनेजेबल रखेगा, मैनेज करने में हेल्प करेगा. Okay guys, so I'm all done. जो texture of my hair and it's very very soft. So you can buy this product from their own website Be Blunt Kiki and otherwise आप Amazon, Nykaa, Flipkart पे से purchase कर सकते हैं. Link मैं नीचे description box में दे दूंगी. अगर आप मेरा coupon code use करेंगे that is Ruchi20, you will get 20% discount. So always try to use mist before heat. So yes, ताकि आपके बालों का quality, texture, चीजें खराब ना हो. ऐसे लगता है ये पूरे बाल ओपन रखने से ज्यादा बेहतर मुझे ये वाला हेयर स्टाइल लग रहा है. Okay, तो हम लोग निकल गए हैं, आंटी का जो गिफ्ट है वो पैक करवा रहे हैं और फिर उसके बाद जाते हैं. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? ईशा की बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के सामने वो जो हमारा पुराना घर है ना 20th फ्लोर पे, वो ये जो ये दिख रहा है ना दूसरी तरफ वाला था हमारा लेफ्ट, तो ये हमारे सामने ही. हाँ हाँ वो है हमारा घर, हमको ये बिल्डिंग पूरी बनती हुई दिखी है एंड ये आंटी की बिल्डिंग है. तो सब आस पास ही रहते हैं, मतलब एकदम ही सेम बिल्डिंग में नहीं रहते हैं हम लोग सब, लेकिन हाँ सेम एरिया में रहते हैं, काफ़ी पास में ही है आंटी भी. हम लोग आए हैं निशा के पुरानी आंटी के पुरानी कॉलोनी है ना ये. हाँ. अभी भी प्रेजेंट में रह रही है आंटी यहाँ पे, तो हम लोग कन्या यहाँ पे निशा बहुत अच्छी कोचिंग वोचिंग पढ़ाती है, हमारी टीचर जी बैठी हुई है. तो हम अभी ना बच्चों को लेने के लिए आए, कन्या पूजन भी हो रही है. हम लोगों ने वो नहीं किया था गृह प्रवेश के टाइम पे, तो हमारे ना क्या बोल रही थी यार मैं, हमारे पंडित जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और बहुत मस्त पूजा करवाई है उन लोगों ने. हम लोगों के दो पंडित जी, एक खाने के ही हैं और एक ये बाहर से आते हैं, तो ये बाहर वाले पंडित जी हम लोगों ने करे हैं. अब तो मैं YouTube ये सारे बच्चा पार्टी आ गए. फ्रेंड एक यूट्यूबर है वो. सो ये मीका, मीका हाय से हाय. और यहाँ पीछे सब बैठ गए. हाय एवरीवन, बड़े क्यूट क्यूट से लग रहे हैं सब लोग. तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस से पूजा के लिए, लेट्स गो. तो
सारे बच्चों को लेके आ गए हम लोग. I don't think we got enough time to sort out all the fights, sort out all the lies. Hello guys, पूजा खत्म होने के बाद मैं next day आप लोगों से मिल रही हूँ. It's a Monday working day. विक्की अपने office चला गया है और मैं बस शूट करने के लिए बैठी रही हूँ. तो कल ना आने के बाद मैं जो मतलब मेरा आने के बाद हम आए हैं 5:30 आए हैं. हाँ, उसके बाद मैं ना नॉर्मल थी एकदम. उसके बाद जो मेरा सर चकराना चालू हुआ है, मतलब मुझे कभी भी ऐसे चक्कर अक्कर नहीं आता है, बट जो मेरा सर घूमना स्टार्ट होता है, इवन इफ आई एम सिटिंग ना, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है. एंड इट वॉज सो इंटेंस कि मैं लेट भी रही थी तो भी मुझे, मैं आँख बंद करी थी तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को सब घूम रहा है. फिर मुझे ग्लूकोज दिया बिकॉज कल बहुत गंदी ह्यूमिडिटी थी. एक घंटा ही बारिश हुई है और 2 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है. तो जब बारिश होती है थोड़ी सी होकर रुक जाती है ना, और जब धूप आती है तो आप ये समझ लो इनटू 50 ह्यूमिडिटी हो जाती है. बहुत गंदे लेवल की ह्यूमिडिटी होती है. तो अभी इतनी गंदी ह्यूमिडिटी, और फिर मैं पानी भी दिन भर पूजा में बैठे थे तो पानी वानी कुछ पिया नहीं एज सच, और फिर धूप में थोड़ा भागा दौड़ी कर ली थी हम लोगों ने, वही बच्चों को लाना ले जाना एंड ऑल दैट. जो भी हुआ, एसी धूप हो गई, तो मेरे ख्याल से उस वजह से कुछ तो हुआ था कि मेरा इतना सर चकरा है, इतना सर चकरा है मैं. एंड अभी मैं अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करती हूँ. अभी तक माई कर्ल्स आर देयर. जैसे मैंने आपको, आप इससे पहले मेरा डेफिनेटली Q&A वीडियो देख लेंगे तो आपने देख लिया होगा, Q&A में मैंने वास्तु सीखा है. वास्तु का एक बेसिक ट्रेनिंग मैंने ले लिया. मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने बहुत एडवांस लेवल पे सीखा है, बट हाँ बहुत सारी चीजें, मैं लो शू ग्रेड हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, आपका वास्तु घर का आराम से देख सकती हूँ, इस लेवल पे मैं सीख चुकी हूँ. लेकिन इसके बाद भी ना आपकी बहुत प्रैक्टिस, आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है. मैंने स्टार्टिंग में जब मैं सीख रही थी ना, तो मेरे सब फ्रेंड्स लोगों को, जैसे आकांक्षा, निशा, शिल्पा, तो सबको मैंने बता दिया था कि आई एम लर्निंग वास्तु, मेरे घर भर में सबको पता है. तो मैं क्या करती थी, इन लोगों का यार चलो मैं न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या लो शू ग्रेड कर रहे हैं, तो मैं पता क्या करती थी इन लोगों से, मैं इन लोगों को बताती थी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ मुझे बताओ प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज ये दे आर सेफ पीपल, राइट. मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे कि यार तुमने हमको ये क्या गलत बता दिया. तो इन लोगों के सबके मैं नेम, डेट ऑफ बर्थ ले लेती थी दोनों के, हस्बैंड एंड वाइफ के. एंड फिर मैं इनसे बोलती थी कि अभी आप कुछ मत बताओ कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, मैं आई विल टेल यू कि आपका नेचर में ये दिक्कत है या ऐसा है वैसा है. एंड देन यू नो ऑल दीज थिंग्स आई यूज टू डू जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज से. अभी मतलब कि भाई मेरा थोड़ा उस चीज में हाथ जमे. आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अपना वो नहीं लेकर के आई हूँ, ड्रेसिंग टेबल. तो मैंने एक बहुत ही सही चीज बनाई है ड्रेसिंग टेबल के लिए. तो मैं टॉप चेंज करती हूँ. आपने मेरा बांद्रा हिल रोड वाला हॉल देखा है कि नहीं देखा है, टी शर्ट में वहीं से लेकर के आई हूँ. सो ब्रीजी, एरी एंड कंफर्टेबल. यार मैं घर में पहनने के लिए ऐसी और टी शर्ट लाना चाहती हूँ. ओके गाइस, मेरा शूट वूट सब डन हो गया है. शूट भी कर लिया मैंने और एडिट भी कर लिया है. कुछ चीज़ें फटाफट हो जाती हैं तो उस बहुत ही फटाक से हो गया वो. और अभी मैं जाती हूँ प्लांट्स लेने के लिए, तो आप लोगों को अपने साथ लेकर के चलती हूँ. आई डोंट नो मैंने ये व्लॉग में बताया है कि नहीं बताया है, दैट आई गॉट माई, जो मेरी गाड़ी है, जो मेरी धन्नो है, वो उसको मैं लेकर के आई हूँ. सो आई हैव अ गाड़ी, मतलब मेरे पास मेरी भोपाल में 2-व्हीलर है, जो कि मुझे 10th के बाद मैथ्स में मेरे 99 मार्क्स आए थे, 100 out of 99, विच इज़ अ वेरी रेयर. मतलब पूरे MP में उस टाइम पे आई थिंक सिर्फ 4 या 5 बच्चों के उतने मार्क्स आए थे, उसमें से मैं एक थी. 4 सब्जेक्ट्स में मेरे डिस्टिंक्शन आई थी. एंड उसी खुशी में मेरे पापा ने मुझे, आई थिंक आफ्टर रिजल्ट आने के विद इन 15-20 डेज में, मैं तो अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी और मेरे को जो कलर का, जो गाड़ी मुझे चाहिए थी वो गाड़ी मेरे घर पे आके खड़ी हो गई थी कि हम यहाँ पर एक सेकेंड हैंड एक्टिवा ले लेंगे या कोई सी गाड़ी ले लेंगे. बट देन वो गाड़ी वहाँ अननेसेसरी खड़ी रहती है. मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ उसको जब आटा पिसवाने के लिए जाते हैं ना, मतलब गेहूँ पिसवाने के लिए जाते हैं, वो सिर्फ तब उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो खड़ी ही रहती है. तो हम लोग उसको, हमने कहा यार अननेसेसरी 30-40 हज़ार की तो आएगी ही आएगी, और वो भी इतनी पुरानी रहेगी जितनी पुरानी मेरी गाड़ी रहेगी. एंड देन मुझे पता है कि ये गाड़ी में कुछ काम ही नहीं कराना है. हम उसको आराम से लेकर के आ गए. तो आसपास हम कहीं हाईवे पे नहीं जाते ऑब्वियसली उसको लेकर के, बट आसपास यार सब्जी लेने जाना है, छोटी मोटी आस, क्योंकि जाना है मतलब इसी पूरा स्टेट में घूमने के लिए, पानीपुरी खाने जाना है, ये करना है हर जगह. अभी आप कार ले लेकर के नहीं जा सकते हो. सो ये ऊपर से नीचे तक मैंने पूरा बांद्रा पहना हुआ है. बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये. तो यार लेट्स गो. और ये छोटा सा मैंने स्लिंग टांग लिया है, बस थोड़ा सा कैश रख लिया है इसमें. एंड या लेट्स गो. तो मैंने अपना झोला ले लिया है और इसमें प्लांटर्स रख लिए हैं, जो भी प्लांटर्स में मुझे फिलिंग करानी है.
आ गई हूँ और मैंने जो भी प्लांट्स लेकर के आई हूँ वो उनकी उनकी जगहों पे रख भी दिए हैं एंड अभी 7 बज गए हैं और 7 बजे हम लोग डिनर करने बैठ गए। ओके गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ निशा के घर पे, थोड़ा सा ऐसे ही बैठने हैं आधा एक घंटा चिल मारने के लिए। तो या लेट्स गो। गाइस आई एम बैक होम और 9:45 हो गए। एक्चुअली वहाँ पर आंटी भी आ गए थे, तो आंटी निशा मैं हम लोग मिलके जो गप्पे मारते हैं ना, मतलब बातें खत्म नहीं होती और आंटी की बातें सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। सो हम लोग इतना हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।